नॉर्मल इंसान पूरे लाइफ टाइम में लगभग 25 साल सोता है और एक दिन में लगभग 8 घंटे सोता है। हमें स्लीपिंग यानी कि नींद की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना सोए अपनी जिंदगी बिता सके? तो आंसर होगा नहीं। बहुत से लोगों का मानना है कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, यानी कि हमारा पूरा बॉडी डीएक्टिवेट हो जाता है और हमारा ब्रेन बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्लीपिंग टाइम हमारे बॉडी का बहुत ही एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि उस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, जैसे कि पूरे दिन के काम को प्रोसेस करना। हमारा दिमाग सोने के टाइम पे बहुत ही एक्टिव होता है। पूरे दिन के दौरान हमारा दिमाग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और जब हम सोते हैं हमारा दिमाग पूरे दिन के इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रीड करता है और सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रख लेता है। इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है और एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो व्यक्ति पूरी नींद लेते हैं उनकी मेमोरी पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो बड़े बड़े व्यक्ति और बड़े बड़े वैज्ञानिक बहुत ही कम सोते थे, लगभग 3 से 4 घंटे के बराबर। साइंटिस्ट केवल 3 से 4 घंटे सोते हैं और फिर भी उनका दिमाग काफी तेज काम करता है। लेकिन एक कॉमन इंसान को 12 घंटे सोने के बाद भी नींद क्यों आती है? आप बिस्तर पे कितनी देर सोए वह मैटर नहीं करता, आप कितनी देर गहरी नींद में सोए वह बहुत मैटर करता है। साइंटिस्ट 3 से 4 घंटे की नींद बहुत ही गहरी लेते हैं और उतनी गहरी नींद उनके ब्रेन के लिए काफी होती है। लेकिन कॉमन पीपल ढंग से नहीं सोते और उनकी गहरी नींद पूरी नहीं हो पाती, जिस कारण से उन्हें दिन में भी नींद आती है। और यदि आप गलत तरीके से सोते हो तो इसका इफेक्ट आपके हेल्थ पे सीधा सीधा पड़ता है और जिस कारण से आपकी नींद गहरी और पूरी नहीं हो पाती। यदि आपकी नींद गहरी और पूरी होगी तो आप सुबह सुबह काफी ज्यादा एनर्जेटिक यानी कि अच्छा महसूस करोगे और आपका पूरा दिन का काम काफी अच्छा बीतेगा। सोने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका पेट के बल, बहुत से लोग पेट के बल सोते हैं। दूसरा तरीका अपने लेफ्ट हैंड के सहारे सोना। तीसरा तरीका अपने राइट हैंड के सहारे सोना। और चौथा तरीका अपने पीठ के बल सोना। यदि आप अपने पेट के बल सोते हो तो उसे बैड वे ऑफ स्लीपिंग कहते हैं, यानी कि सोने का गलत तरीका। डॉक्टरों का कहना है कि 80% लोगों को उनके बैक में पेन इसलिए होता है कि क्योंकि वह गलत तरीके से सोते हैं। और यदि आप अपने पेट के बल सोते हो तो आपके बैक में पेन आसानी से हो सकती है और पेट के बल सोने से आपको अन्य हेल्थ से संबंधित और प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि जब आप अपने पेट के बल सोते हो तो आपका गर्दन यानी कि नेक एक पोजीशन में फिक्स हो जाता है और आपका पूरा बॉडी टाइट हो जाता है, जिस कारण से आपकी गर्दन में आसानी से दर्द हो सकता है और इससे आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिन व्यक्ति को सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस पोजीशन में ना सोए। हालांकि इस पोजीशन में सोने से आप घराटे लेना बंद कर दोगे, क्योंकि इस पोजीशन में सोने से हम लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के सहारे सोना बहुत ही सेफ माना जाता है, हालांकि इसमें राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड सोना काफी ज्यादा सेफर होता है। और यदि आप इस पोजीशन में सही ढंग से नहीं सो गए तो आपके हाथ में जो नर्व सेल है वह कंप्रेस हो सकती है और आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आसानी से हो सकती है। और जब आप साइड पोजीशन में सोते हो तो हमेशा लेफ्ट साइड हैंड पे सोना प्रेफर्ड करें, क्योंकि जब आप इस पोजीशन में सोते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आसानी से वर्क करता है और जो खाना आपने खाया है वह खाना आसानी से पच जाता है, क्योंकि इस पोजीशन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करेक्ट वे में होता है। जब आप इस पोजीशन में सोते हो तो अपने पांव को अपने चेस्ट की ओर हल्का सा मोड़े, केवल हल्का सा, और अपने दोनों घुटनों के बीच में पिलो रखें। पिलो इसलिए रखते हैं क्योंकि आपके दोनों घुटनों के बीच में ज्यादा फोर्स ना पड़े और आपको घुटनों में दर्द ना हो। यदि आप अपने दोनों घुटनों के बीच में एक पिलो रखोगे तो दोनों घुटनों में आपस में फोर्स काफी कम पड़ेगा, इससे आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। सोने का ये पोजीशन बेस्ट पोजीशन माना जाता है। यदि आप अपने बैक यानी कि पीठ के बल सोते हो तो इससे आपको बैक और नेक यानी कि पीठ और गर्दन में दर्द नहीं होगा, क्योंकि इस पोजीशन में सोने से आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा रहता है और ये पोजीशन काफी कंफर्टेबल भी होता है। डॉक्टरों का मानना है कि इस पोजीशन में सोने से आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल ही सीधा रहता है। इस पोजीशन में सोने के लिए एक अच्छे खासे पिलो का यूज करें, जिससे कि आपका नेक भी सीधा रहे और आपकी नींद अच्छी और गहरी हो। हमें 7 से 9 घंटे नींद लेनी चाहिए, इससे हमारी हेल्थ काफी अच्छी रहती है और आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। 7 से 9 घंटे के नींद के साथ साथ ये भी अति आवश्यक है कि आप करेक्ट वे में सोएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने स्लीपिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप किस पोजीशन में और कितनी देर सोते हो।